प्रचंड गर्मी और बिजली संकट से देश का हाल बेहाल होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी कोयले को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश में कोयले की कमी के मामले पर कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री के बयानों में ही भेद दिखाई दे रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए विदेशी कोयला खरीदने को अनिवार्य कर दिया है। लगातार विदेशी कोयले के खिलाफ मोर्चा खोले उपभोक्ता परिषद ने एक बार फिर कमान संभाल ली है और इस आदेश को जन विरोधी बताया है। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी शर्त पर उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने नहीं दिया जाएगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो विदेशी कोयला नहीं खरीदेगा उस राज्य को 7 तारीख से 30% जो डोमेस्टिक अलॉटेड कोयला उसका है वो कम कर दिया जाएगा, जो आवंटित कोयला है, और इसके बाद 15 तारीख से 40% आवंटित कोयला कम कर दिया जाएगा। इसको लेकर हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हमने माननीय विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका भी दाखिल की कि साहब, जो हमारा केंद्र सरकार है उसकी जो पावर है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत उसको पावर प्राविधानित है कि क्या क्या वो कर सकती है, लेकिन जो ये राज्यों की दादागिरी कर रही है ये पावर केंद्र सरकार की नहीं है। और सरकार जो है एक तरह से राज्यों के साथ धमकी भरा पत्र जो लिखकर इस प्रकार की कार्रवाई पर आमादा है, निश्चित तौर पर ये जनविरोधी कार्रवाई को दर्शाता है। विदेशी कोयले पर मचीरार के बीच इसकी खरीद को लेकर नियम क्या कहते हैं और विदेशी कोयले की खरीद का आदेश किस तरह से जनता के खिलाफ है, उसको भी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने साफ कर दिया है। यूपी में विदेशी कोयले पर योगी सरकार के एक्शन को काबिले तारीफ बताते हैं और सीएम योगी को धन्यवाद भी देते हैं, इस पूरे आदेश को मनमानी करार देते हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश का उत्पादन इकाइयां हैं उनका एग्रीमेंट कोल इंडिया के साथ है, उस एग्रीमेंट के एक क्लाज में भी लिखा है कि अगर कभी कोल इंडिया विदेशी कोयला सप्लाई करने की बात करती है, अगर उसके पास कोयले की कमी होती है, तो 3 महीना पहले राज्यों की उत्पादन इकाइयों जिसके साथ उसका एग्रीमेंट है उसको एक नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद उसको बताएगी, 3 महीना पहले बताएगी कि भैया विदेशी कोयला हम आपको देंगे, और अगर आपसी सहमति ना बनी कि विदेशी कोयले की, तो कोई भी कार्रवाई हम पर वो नहीं कर सकती। मान लीजिए हमने सहमति नहीं दी कि भाई हमको विदेशी कोयला नहीं चाहिए, तो हमारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ केंद्र सरकार पूरी तरीके से दादागिरी पर उतर आई है, वो कह रहे कि नहीं आपने खरीदेगा तो मैं आपका आवंटित कोयला कम कर दूंगा। तो ये सब मिला के जो जिस प्रकार से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा, इसलिए लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में विदेशी कोयले की खरीद नहीं की जाएगी। विदेशी कोयले के जरिए निजी घरानों को लाभ पहुंचाने की कोशिशों के आरोपों के बीच अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि अडानी ग्रुप को टेंडर दिया गया है, बिजली का महंगा होना तय हो गया है, इसका बोझ प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को उठाना होगा। अभी आपने देखा होगा विगत दिनों NTPC ने अडानी ग्रुप को एक टेंडर दिया जो लगभग 6,885 करोड़ रुपए का है। अब वो टेंडर दिया तो आने वाले समय में NTPC विदेशी कोयला खरीद रहा है, तो NTPC से रोज उत्तर प्रदेश लगभग 5,000 तापीय से बिजली खरीदता है, 5,000 मेगावाट तापीय पावर हाउस से जो NTPC के, उससे हम 5,000 मेगावाट बिजली रोज लेते हैं। अब अगर NTPC विदेशी कोयला 10% लेकर चलाएगा तो आने वाले समय 50 से 70 पैसा प्रति यूनिट फिर भी यूपी के ऊपर भार पड़ेगा, यहाँ के उपभोक्ताओं की बिजली दर बढ़ेगी। इस बीच बड़ा सवाल कोयला मंत्री और ऊर्जा मंत्री के बयानों के बाद खड़ा हो रहा है। कोयला मंत्री कोयले की कमी नहीं होने देने की बात कह रहे हैं, तो ऊर्जा मंत्री विदेशी कोयले का दबाव क्यों बना रहे हैं, आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष इस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारे जो केंद्रीय कोयला मंत्री हैं लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। अभी उनका 2 दिन पहले का अगर ट्वीट देख लिया जाए तो उन्होंने कहा कि जहां 2021 में 716 मिलियन टन कोयला देश में उत्पादन किया था, वहीं हमने 21-22 में 777 मिलियन टन कोयला, 8.5 मिलियन टन कोयला हमने बढ़ा दिया। मई 2021 की अपेक्षा मई 2022 में उन्होंने कहा मैंने 30% कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया, तो कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है, कोयले की जो आज की डेट में कैपेसिटी वो बढ़ रही है, ये हमारे देश के कोयला मंत्री कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे देश के ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह साहब, वो लगातार इस तरह का दबाव बनाने की विदेशी कोयला खरीदिए, तो सब मिलाकर ये देश के एक निजी घराने को लाभ देने के लिए सब राजनीति चल रही है, इसीलिए उपभोक्ता परिषद लगातार इसका विरोध कर रहा है। विदेशी कोयले को लेकर बन रहे दबाव पर अवधेश कुमार वर्मा साफ शब्दों में कहते हैं कि यह ऊर्जा सेक्टर को तबाह करने की रणनीति है। पिछले 6 महीने में ही 2 बार बिजली संकट सामने आ चुका है, वहीं केंद्र सरकार से कोयले के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी कर रहे हैं।
एनटीपीसी ने तो देखा अभी टेंडर निकला 6000 करोड़ के ऊपर अडानी ग्रुप को मिला, आने वाले समय में कहीं भी टेंडर निकलेगा उसी ग्रुप को मिलेगा लाभ। तो निश्चित तौर पर अगर सरकार इतनी चिंतित है तो सरकार को अपने जितने भी कोयले के मामले उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और नहीं तो कोई भी सवाल उठाएगा, और सवाल जब उठाएगा तो निश्चित तौर पर सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो सब मिलाकर आने वाले समय में जिस प्रकार से विदेशी कोयला खरीदवाने की राजनीति चल रही, निश्चित तौर पर यह बहुत ही दूरगामी परिणाम देगा और आने वाले समय में पावर सेक्टर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा अगर इस पर प्रतिबंध न लगा। इसीलिए बार बार मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि महोदय आप हस्तक्षेप करिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आप हस्तक्षेप करिए, अन्यथा आने वाले समय में जो राज्य का कॉन्करेंस का सब्जेक्ट है, जो राज्यों का अधिकार है, उसको पर भी वो प्रतिबंध लगा रहा है। तो सब मिलाकर एक तरह से लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमने तो पूरे प्रकरण की माननीय प्रधानमंत्री से अनेकों बार मांग की है कि सीबीआई जांच कराएं, बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा। अब ये देखना है कि आने वाले समय में जो केंद्र की मोदी सरकार का शीर्ष नेतृत्व है वह क्या निर्णय लेता है, लेकिन अगर इसी प्रकार की कार्रवाई चलती रही तो निश्चित तौर पर प्रदेश के देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जून महीने की शुरुआत में सूरज का पारा जहां सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है, तो वही बिजली की डिमांड भी अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अवधेश कुमार वर्मा बताते हैं कि इतिहास में अब तक इतनी ज्यादा बिजली की डिमांड नहीं हुई है, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान निकालने के बजाय केंद्र सरकार मनमानी करने पर उतारू है। वह सरकार से अपील करते हैं कि विदेशी कोयले की खरीद को बढ़ावा न दें, क्योंकि इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना होगा। देखिए 1959 में राज विद्युत परिषद बना, तब से लेकर आज तक कल का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में कल 26,215 मेगावाट की डिमांड गई, मतलब इतनी बड़ी डिमांड, ऐतिहासिक डिमांड गई। अब आप समझिए कि इस समय गर्मी जो बढ़ रही, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि 27,000 मेगावाट तक डिमांड उसके आगे तक जाएगी। आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब है और इस पर केंद्र सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार सपोर्ट न करके वो दादागिरी कर रही है कि कोयला नहीं देंगे आपको, आप और कोयले की कटौती कर देंगे, कैसे आप ये धमकी दे सकते हैं, जबकि पूरे देश में हमारे उपभोक्ताओं को इस समय अच्छी बिजली मिलना चाहिए। गर्मी जब समय चल रहा, हमारा यही 3 महीना, देखिए ज़्यादातर सवाल है अप्रैल मई जून का महीना ऐसा होता है कि पूरे देश के उपभोक्ता ये चाहते हैं कि उनको अच्छी बिजली मिल जाए। भाई अप्रैल मई जून के महीने में आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कभी बर्फ तो गिरी नहीं है कि यहाँ मौसम बहुत सुहाना हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ की जनता को अगर बिजली चाहिए तो उसमें केंद्र की सरकार का और उत्तर प्रदेश की सरकार का दोनों का नैतिक कर्तव्य है कि वह प्रदेश के देश के विद्युत उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली दे और ये धमकियों की बात छोड़े, कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कराए, जिससे आने वाले समय में एक अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो आवंटित कोटे का आवंटित मात्रा जो केंद्र सरकार ने तय की थी, पहले कहा 15 रैक कोयला रोज उत्तर प्रदेश को मिलेगा, तो ये 11 से 12 रैक केवल दे रहे थे। इसके बाद जब कहा कि भाई ये 60 कैसे पूरा होगा, तो अभी लगभग एक हफ्ता पहले केंद्र सरकार ने कहा अब उत्तर प्रदेश को 17 रैक कोयला मिलेगा, और अभी भी 13 रैक से ज़्यादा कोयला नहीं मिल रहा। 30% आप पहले से ही कम दे रहे हैं, आगे धमकी दे रहे हैं 30% और कम कर देंगे। तो आप सीधा सीधा क्या कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को अंधेरे में डाल देंगे? तो सब मिलाकर इस समय केंद्र सरकार को पूरी तरीके से जो नैतिकता का परिचय देते हुए, संवैधानिक जो कानून है उसका परिचय देते हुए, राज्यों को सपोर्ट करके और उनको कोयले की उपलब्धता बढ़ाकर वहाँ का जो पावर संकट है उसको दूर करना चाहिए। आने वाले समय में विदेशी कोयले खरीदने की राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा खामियाजा प्रदेश की देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। विदेशी कोयले पर घमासान के बीच जनता बिजली संकट से परेशान है। इतना ही नहीं, अब यह भी साफ हो गया है कि बिजली की दरें भी बढ़ेंगी। हालांकि उपभोक्ता परिषद लगातार जनता के मुद्दों पर मोर्चा खोले हुए है, लेकिन वह इस लड़ाई में कहां तक सफल होता है या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।